हेलो फ्रेंड्स। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। तो इससे पहले जो मैंने वीडियो कवर कराया था वो सिर्फ एक सिंपल इफ स्टेटमेंट था, ठीक है। तो उसके बारे में अगर आपको समझना है तो आप जाके मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। तो ये एक ऐसा स्टेटमेंट है, इसमें इफ भी है और एक जो दूसरा ब्लॉक है वो एल्स स्टेटमेंट का ब्लॉक है। तो ये दोनों वर्क करता है। तो ये कैसे वर्क करता है, जैसा कि मैंने इफ के बारे में बताया था कि जब उसका कंडीशन ट्रू होगा तो वो इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, चलेगा, और जब फॉल्स होगा तो वो नहीं चलेगा। लेकिन इफ एल्स में क्या है कि अगर इफ के कंडीशन अगर ट्रू हैं, मतलब ये इफ का जो स्टेटमेंट है ये कंडीशन अगर ट्रू है तो ये ब्लॉक तो डेफिनेटली चलेगा। लेकिन अगर इफ इफ के स्टेटमेंट अगर ये फॉल्स हो गए, ये स्टेटमेंट अगर फॉल्स हो गया तो हमारा ये वाला जो ब्लॉक ऑफ कोड है एल्स का एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो यही फर्क है इफ एल्स स्टेटमेंट में और सिंपल इफ में। तो आइए प्रोग्राम करके देख लेते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो मैं आपको यहां प्रोग्राम समझा दे रहा हूं। यहां मैंने एक क्लास क्रिएट करा है जिसका नाम है D4, ठीक है। और यहां मैंने एक बनाया है इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है, जिसमें मैंने वैल्यू असाइन करा है 10। तो हमने वैल्यू को चेंज करना है और इसको करना है 23, राइट। फिर मैंने बनाया है इसी क्लास के अंदर एक डिस्प नाम का मेथड बनाया है, ठीक है। और ये है हमारा मेथड का ब्लॉक जिसमें मैंने एक स्टेटमेंट प्रिंट करा रखा है, ठीक है। और यहां मैंने बनाया है क्लास, यहां क्लास का मेन मेथड बनाया है मैंने, और इस क्लास के मेन मेथड के अंदर मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। फिर वहां पे ऑब्जेक्ट की मदद से मैंने डिस मेथड को कॉल किया है। तो हम यहां यूज करेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट को, ठीक है। मैंने इफ यहां कीवर्ड यूज करा। तो जो हमारा स्ट्रक्चर है ये हमने दिया है इसमें ब्रैकेट, ठीक है, पैरेंथेसिस, और हमने इसमें कंडीशन डालना है जो कि होना चाहिए ट्रू। तो एक्स के अंदर है 23, तो एक्स ग्रेटर देन 17, राइट। फिर हम इफ का ब्लॉक बनाएंगे, ठीक है। ब्लॉक बनाने के बाद हम कुछ स्टेटमेंट लिखेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि ये ब्लॉक इफ का है, ठीक है। हम लिखते हैं नंबर इज ग्रेटर, ठीक है। हम चाहें तो यहां वैल्यू दे सकते हैं, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, ठीक है, पहले हम यहां वैल्यू देते हैं एक्स की वैल्यू, राइट। अब वो क्या होगा, एक्स की वैल्यू प्रिंट करेगा। तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है ये है इफ के ब्लॉक में। तो जब ये कंडीशन ट्रू होगा, ये कंडीशन अगर ट्रू होगा तो हमारा ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। फिर हमें डालने हैं एल्स। एल्स में क्या है, हम कोई भी स्टेटमेंट डाल सकते हैं, ठीक है। हम डाल देते हैं यहां पर दिस इज एल्स ब्लॉक, राइट। आप चाहे तो कोई भी मतलब स्टेटमेंट प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। दिस इज एल्स ब्लॉक, क्या है, दिस इज एल्स ब्लॉक। उसके बाद मैंने बाहर में यहां रखा है नाउ कंट्रोल इज आउट ऑफ ब्लॉक, यानी कि जो कंट्रोल होगा वो क्या होगा, ब्लॉक से जब बाहर होगा तो ये हमारा स्टेटमेंट प्रिंट करेगा। तो याद रहे इफ और एल्स मैंने दोनों यूज करा है। एल्स भी एक कीवर्ड है और इफ भी एक कीवर्ड है जो एक रिजर्व वर्ड है, और मैंने कंडीशन डाल दिया है तो ये कंडीशन ट्रू है। तो ट्रू के अकॉर्डिंग जो इफ और एल्स का जो रूल्स है वो जो ब्लॉक है ट्रू, ट्रू वाला जो कंडीशन है वो चलेगा, उसके बाद प्रोग्राम यहां आ जाएगा, ठीक है। एल्स ब्लॉक क्यों नहीं चलेगा, ये तब एग्जीक्यूट होता है जब इफ स्टेटमेंट का कंडीशन फॉल्स रहता है, ठीक है। तो हम प्रोग्राम को चला के देखते हैं और चेक करते हैं इसके आउटपुट को, राइट।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहां आ रहा है 23 इज ग्रेटर, 23 नंबर इज ग्रेटर, दैट मींस ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है इफ का चला है और एल्स को इसने टच नहीं करा है, क्योंकि ऑलरेडी जब पहले इफ ट्रू हो गया है तो एल्स को टच नहीं करना है, ठीक है, वो टच नहीं करेगा कंपाइलर। फिर हमारा प्रोग्राम का जो फ्लो है यहां पर आया है, राइट। तो आप देख सकते हैं कैसे हमारा इफ स्टेटमेंट ट्रू के कंडीशन में चला, इफ और एल्स। इस कंडीशन को अगर फॉल्स कर देते हैं तो क्या होगा, ये हो गया फॉल्स, एक्स में है 23 और 23 छोटा है 17 से, तो ये कंडीशन हमारा क्या है, फॉल्स है। तब क्या होगा, नियम के हिसाब से, रूल के हिसाब से ये एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, फिर हमारा प्रोग्राम का फ्लो यहां आ जाएगा, ठीक है। तो करके देख लेते हैं, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कंसोल में आउटपुट जो आया है दिस इज एल्स ब्लॉक चला है और इफ का जो कंडीशन था वो खत्म हो गया है और नाउ कंट्रोल फ्लो इज आउट ऑफ ब्लॉक, ये हमारा लास्ट वाला स्टेटमेंट प्रिंट हुआ है। तो आप देख रहे हैं कैसे हमारा प्रोग्राम ये चला है यहां पर इफ एल्स के साथ, मैंने ट्राई करके देख लिया और आप इससे पहले इफ के बारे में भी आपने देख लिया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको कोई कन्फ्यूजन इसके बारे में नहीं होगा, अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, ठीक है। हैव अ नाइस डे, जय हिंद।